दुष्यंत कुमार की एक लाइन है और वो लाइन क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी लाइन पे काम कर रही है बिहार की सरकार और नए नवेले जो डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव, जिनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग जिनके अंदर में है। तो कल रात उन्होंने अचानक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के तौर पे अचानक से पीएमसीएच का दौरा किया, पीएमसीएच और गर्दनी बाग के अस्पताल में तेजस्वी यादव गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने पाया कि कुछ अधिकारी जो है वहाँ काम करने वाले कर्मचारी बोल लीजिए या अधिकारी, कुछ खा कर आते हैं, कुछ आकर खाने जाते हैं। मतलब कि जिनका ड्यूटी नाइट ड्यूटी 10 बजे से रहता है वो आते हैं 10 बजे लेकिन उसके बाद खाने चले जाते हैं और खा कर आते हैं 3 घंटे बाद, और 3 घंटे खा कर आने के बाद वो ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं आपको तो पता ही है कि पीएमसीएच का हाल कैसा है और डेड बॉडी ऐसे ही पड़ा रहता है। और कल जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहां कुत्ता घूम रहा था वार्ड में, तो उन्होंने अधिकारियों की वो फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद डॉक्टर को कहा, जो चीफ अधिकारी थे उनको कहा कि अगर आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने इसी तर्ज पे उन्होंने कल ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने जाकर फील किया, उसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग बुलाई थी जिसमें पूरे बिहार के हर जिले के जो सिविल सर्जन है, जो मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट है, सबके साथ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया कि 60 दिन के अंदर बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको सुधारा जाएगा और कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन अपने पोस्ट से, अपने टाइम से उस समय एब्सेंट नहीं रहेगा, और इस जो अगर एब्सेंट होता है बिना बताए एब्सेंट होगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि ये सरकार पढ़ाई लिखाई और दवाई की सरकार है, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए आज मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है 60 दिन का, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्देश किया है और सारी समीक्षाएं जो हैं लगातार चल रही हैं और बेहतर स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम और लोगों को सेवा बेहतर कैसे हम दें, इसको लेकर के सभी लोगों को बुलाया गया। क्योंकि कल तो हम जा कर के देख के आए एक पीएमसीएच का वार्ड क्या स्थिति थी वहाँ, तो सब लोगों को हमने बोला ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना, लंबे समय तो सारी चीज़ें चले सुधरेगा, ज़रूर ज़रूर सुधरेगा। सब लोगों को अब जिम्मेवारी मिली है तो हम लोग इस काम को करेंगे। आपको क्या लगता है, ये सरकार सिर्फ हंगामा खड़ा करेगी या सही में ये सूरत बदलने पे काम करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।